नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतिनायना पार्षद नेक द्वारा मूल्यांकन स्थानीय पहलवान गुरुदीन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय पनारी ललितपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षों को बचाने हेतु शपथ संगोष्ठी एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वृक्षरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में NSS की छात्राओं ने वृक्ष लगाकर पर्यावरण को बचाने की शपथ ली। संगोष्ठी में महाविद्यालय की प्रबंधक श्रीमती सितारा देवी ने पर्यावरण के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत समेत पूरे विश्व में प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति खतरे में है। प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से वृक्ष लगाने होंगे। प्रत्यक्ष अनुराग शर्मा के झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र पर फिर से विजयी होने पर शिक्षक प्रकोष्ठी के जिला संयोजन ओम शंकर श्रीवास्तव, वादक जितेंद्र वैद्य शिक्षक प्रकोष्ठ के पदीकरण को मिठाई बंटवा कर ताके चलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर संकट मोचन बालाजी हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी कराया गया। शिक्षक विधायक प्रतिनिधि केंद्रनाथ तिवारी के आवास पर सुंदरकांड पाठ के उपरांत प्रसाद वितरण एवं सुबह प्रभात फेरे का आयोजन करने वाले सदस्यों को प्रसाद वितरण। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे और जल ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जल जीवन मिशन संस्था स्वजन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद ललितपुर में समुदाय के साथ शपथ दिलाई गई है। सभी लोगों ने शपथ ली और जल बचाव के बारे में बताया गया है। जल को बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है, जिसमें अधिशासी अभियंता जल निगम अनवीर सिंह ने किया, साथ ही उदयवीर और जल निगम स्टाफ मौजूद रहे। स्वजन फाउंडेशन से भूपेंद्र नायक, पारस और वीरेश मौजूद रहे। ललितपुर नगर के तालबेट कस्बे में पूरा कला चौराहे के आगे झांसी जाने वाले पुराने मार्ग में स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के पास ही अंग्रेजी शराब की दुकान संचालित है। दुकान पर लगने वाली भीड़ से मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, इसलिए लोगों ने शराब की दुकान हटाने की मांग करी है। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग के नियम को ताक पर रखकर दुकानें खोली गई हैं। पूरा कला चौराहे पर आगे झांसी पुराना रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के महज 20 मीटर की दूरी पर अंग्रेजी शराब की दुकान खुली। घनी आबादी के बीच स्थित दुकान पर शराबियों के जुटने की वजह से उधर से गुजरने वाले लोगों को परेशान होना पड़ता है। गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालु भी परेशान होते हैं। महिला श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कतें होती हैं। शराबियों की हरकतों से लड़कियों और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास रहने वाले बुद्धिजीवी व गणमान्य नागरिकों के साथ अन्य लोगों का शराब की दुकान हटवाने की मांग की है। जनपद ललितपुर के ग्राम एवरी में परमार्थ समाज सेवी संस्था के अंतर्गत बरुआ नदी पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में परमार्थ समाज सेवी संस्था के प्रबंधक सिद्ध गोपाल सिंह ने बताया कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। न केवल हमारी हवा को शुद्ध करते बल्कि भूजल भरण, वर्षा लाने, मिट्टी क्षरण को रोकने, अवसार जीव जंतु को आवास प्रदान करने की भूमिका निभाते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमारे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंची है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नदी पूजन के अंतर्गत नदी यात्रा के शुभारंभ करते हुए 6 ग्राम पंचायत के 12 गांवों में यात्रा की जाएगी। यात्रा के दौरान पंचायत समितियों का गठन करके समुदाय को जागरूक करते हुए नदी से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ नदी के संरक्षण के प्रति लोगों को आगे लाया जाएगा। तरुणा भारत संघ राजस्थान व परमार्थ समाज सेवी संस्था के संयुक्त तत्वावधान में देश में 51 नदियों की यात्राएं प्रारंभ की गई। इससे आगे आने वाले समय में छोटी छोटी नदियों को पुनरक्षित किया जा सके, जिसके बाद कोऑर्डिनेटर किशन गुप्ता ने बताया कि हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, सीवर लेन का गंदा पानी, निष्कासन पानी समीपस्थ नदियों में गिरने से रोकना होगा। कार्यक्रम में मौजूद विकास अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी तालबेट से अपने उद्बोधन में कहा कि जनपद ललितपुर में छोटी छोटी नदियों के पुनर्जीवन को कार्य पिछले 2 माह से चल रहा है। तत्पश्चात जल सहेलियों व समुदाय द्वारा मानव श्रृंखला वृक्षारोपण व श्रमदान का कार्य किया गया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, परमार्थ समाज सेवी संस्था से अंतिम झा, रीना राजा, अनिल कुमार, भूपेंद्र मंगल, सिरनाम सिंह आदि लोगों ने कार्यक्रम के साथ 250 लोगों की उपस्थिति में। ललितपुर कस्बा बांसी में श्री श्री 1008 हजारिया महादेव मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा की कलश यात्रा डीजे ढोल नगाड़े गाजे बाजे बग्घी के साथ धूमधाम से निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं सर पर कलश
रखकर चल रही थी। साथ ही कथा व्यास बग्गी पर बैठे हुए थे। रामायण जी को विनोद गुप्ता सर पर रखे हुए थे। वहीं कलश यात्रा स्वागत लाल जी महाराज मंदिर पर महंत दामोदर दास जी महाराज ने कथा व्यास को तिलक लगाकर माला फूल बनाकर कलश यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर संत दास महाराज, माखन दास महाराज, गंगा दास महाराज, अखिलेश खरे, राहुल सुमन आदि ने किया। कलश यात्रा मेन रोड होते हुए जखोरा रोड होकर मजगालिया होती हुई हजारिया मंदिर पहुंची। वहां कलश यात्रा का पूजन आचार्य आशीष गंगेले एवं श्री अरुण गंगेले जी द्वारा किया गया। पूजन के उपरांत रामकथा पंडित श्री छवि दर्शन पराशर जी के मुखारविंद से रामकथा बुधवार से प्रारंभ हुई। हजारिया महादेव प्राण प्रतिष्ठा के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रामकथा का आयोजन वार्षिक महोत्सव मनाया गया। लोधी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम चुरावनी ने बताया कि दिनांक 5/6/2024 को समय करीब 12:30 बजे दिन को वह घर के दरवाजे बैठी थी तो पेड़ के विवाद को लेकर विपक्षी राजन पुत्र राम सेवक लोधी उम्र करीब 32 वर्ष, श्रीमती रेखा पत्नी राजन लोधी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी गण चुरावनी थाना तालबेट ने प्रार्थी को लाठी डंडा व लात घूसों से मारपीट कर दी, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित की शिकायत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।